नमस्कार श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के जो निर्वाही हैं श्रेष्ठ कला संगम और उनके सदस्यगण, उनको मैं अपना आभार अभिव्यक्त करते हुए अपनी गुरु श्रीमती वैजयंती माला बाली जी एवं श्रीमती कमलिनी माँ गुरु कमलिनी नागराजन दत्त, इन दोनों को प्रणाम करते हुए इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज के अपने भरतनाट्यम कार्यक्रम को प्रारंभ करूँगा। आप सबको मैं धन्यवाद कहूँगा जो भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर आगमन हुए हैं। हम सब पूरे विश्व में एक ऐसे ही स्थिति में हैं जहाँ पर इस डिजिटल माध्यम से हम सब संपर्क रखते हुए एक दूसरे के कार्यक्रम को हम देखते भी हैं, आनंद भी लेते हैं और अपने इस बहुत ही सुंदर सादगी और कला की यात्रा को हम बढ़ाते चलते आ रहे हैं। श्रेष्ठ कला संगम, जहाँ पर अत्यंत विद्वान और संस्कृत से पांडित्य भरे हुए विद्वान और विदुषी गणों का एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। यहाँ पर इनके आए बीते हुए महीने में गुरुजन लोगों ने बहुत से सुंदर सुंदर डिस्कोर्स, लेक्चर्स प्रदर्शन किए हैं एंड ऐसे एक महान मंच में, इसे मंच ही कहूँगा क्योंकि हम जहाँ पर अपने घुंघरू को बांधकर अपने देवता और गुरुओं को नमस्कार करते हैं और इस आहार्य में हम जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो वही हमारे लिए मंच हो जाता है। तो इस एक अनुभव से गुरु माँ कमलिनी दत्त, जिन्होंने नाट्यशास्त्र के संकलन से, ऋषियों के उक्ति से और आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य के इतने सुंदर 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 कथनानुसार नाट्य के बारे में जो एक दर्शन दृष्टि सब दिखलाया है हमको, उसी के साथ साथ डॉक्टर श्री बलदेवानंद सागर जी ने भी नाट्य दर्शन बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हमें दिया है। आज इस मंच में, ऐसे गुरुजनों के एक सभा में मैं भरतनाट्यम के कुछ संस्कृत भाषा में आधारित प्रस्तुतियों को प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तोड़े मंगलम, जो भरतनाट्यम की बहुत ही प्राचीन पद्धति से संकलन है और जिसे मेरी गुरु श्रीमती वैजयंती अम्मा से मैंने प्राप्त किया, सीखा और इस तोड़े मंगलम की जो एक इस तोड़े मंगलम के बारे में एक मैं कथा बोलूँगा क्योंकि हर एक कॉम्पोजिशन का एक हिस्ट्री होता है। तो इस तोड़े मंगलम का जो इतिहास है, ताड़पाकर अन्नमाचार्य जो आंध्र प्रदेश के बहुत ही प्राचीन एक योगी रहे हैं, संत रहे हैं, जो तिरुमल तिरुपति देवस्थान तो बाद में आया बट तिरुमल तिरुपति भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनन्य भक्त रहे हैं, जिनको एक गुरु की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता रही। एक दिन उनके स्वप्न में उनको भगवान ने आदेश दिया कि अहोबिल के शिलाओं के प्रति आप आगमन करें, प्रस्थान करें, वहाँ आपको अपने गुरु रास्ते में प्राप्त होंगे। और उसी प्रकार जैसे उन्होंने भगवान के आदेश को पालन किया, उन्हें अहोबिल के शिलाओं से उतरते हुए आदिवन शतकोप
यतीन्द्र महादेशिक स्वामी जो अहोबिल मठ के सबसे प्रथम आचार्य हैं, उनके सबसे सर्वप्रथम शिष्यगण ताल्लपाक अन्नमाचार्य स्वामी रहे हैं और ये इतिहास है। और इस इतिहास की उक्ति के अनुसार जब अन्नमाचार्य स्वामी ने अपने गुरु को आते हुए देखा, जो त्रिदंडी स्वामी हैं, तो हाथ में त्रिदंडी और यहाँ पर लक्ष्मी नृसिंह का स्वर्ण विग्रह को लेते वो शिला से उतरते हुए आ रहे थे उनकी वेग गति से, तो उनके अन्नमाचार्य स्वामी के श्रीमुख से निकला यही शब्द रहा था कि जय जानकी रमण, जय विभीषण शरण, जय सरोरुह चरण, जय दीन करुणा, जय जया जय जया। तो उनको ऐसे अनुभव प्राप्त हुआ कि जैसे साक्षात श्री रामचंद्र प्रभु ही उनके आचार्य के रूप में, उनके गुरु के रूप में, उनके भगवान के रूप में साक्षात आगमन और प्रस्तुत होते दर्शन दे रहे हैं। तो इतनी सुंदर इस तोड़े मंगलम के पीछे बहुत सुंदर एक अनुभव और एक सिचुएशन रहा है। ऐसी एक अवस्था में निकली हुई ही ये तोड़े मंगलम है। तो इसी तोड़े मंगलम से आज मैं अपने भरतनाट्यम प्रस्तुति को प्रारंभ करूंगा। जय जानकी रमण, जय विभीषण शरण, जय सरोरुह चरण, जय दीन करुणा, जय 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 जानकी रमण, जय विभीषण शरण, जय सरोरुह चरण, जय भक्त का मूल्य, जय
केशव परम पुरुषम गण केशव नर मृग शरीर नमो नमो नर मृग शरीर नमो नमो नर मृग शरीर नमो नमो नर मृग शरीर Thank you.
प्रथम प्रस्तुति थी। तोड़े मंगलम बहुत ही एक अद्भुत काव्य रचना एवं नृत्य प्रस्तुति है। इस तोड़े मंगलम को जब मैंने अपने गुरु श्रीमती वैजयंती अम्मा से प्राप्त किया, पहले तो उनको देखा, उन्होंने इसको कितने ही तरीके में किया है और हर बार देखें हर बार वो नवीन ही लगता है। तो तोड़े मंगलम में श्रीमद् भागवत की अनन्य सुंदर कथाएं और बहुत सारी दिव्य दर्शनात्मक स्थिति परिस्थितियां हमको मिलती हैं देखने, और हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बता जाती हैं। ये ही अपने भरतनाट्यम संप्रदाय की बहुत ही एक अद्भुत विशेष विशेषता है। आजकल नए नए प्रस्तुतियाँ करने को मन करता है, लेकिन जब हम संप्रदाय की बात करते हैं और जब हम अपने ही प्राचीन कृति रचनाओं में हम एक बार जाके देखते हैं और उसको याद करते हैं, तो मन बुद्धि आत्मा उसी में अटक जाती है। ओके, मैं अपनी वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। मेरी अगली प्रस्तुति होगी, आज की मुख्य प्रस्तुति में मैं तीन विशेष संस्कृत रचनाओं को चुना है और इन रचनाओं का एक ही स्रोत है, श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही विशेष गुरु आचार्य स्वामी वेदांत देशिक के स्तोत्र पाठों से संकलित। स्वामी वेदांत देशिक 13वीं सदी की बहुत ही एक ऐसे एक चिन्ह है जहाँ पर हमें हमारे वेद धर्म की एक पुनः स्थापना करने में स्वामी वेदांत देशिक का बहुत ही बड़ा योगदान ही नहीं, उनकी प्राधान्यता बहुत ही मुख्यतः रही है। स्वामी देशिक के जीवन बहुत ही सरल नहीं था, एक बहुत ही विशेष तरह के तपस्वी रहे हैं वो। श्री वैष्णव जहाँ भक्ति प्रधान हुआ रामानुज स्वामी के बाद, द्रविड़ वेद भी प्रधान हुआ, कहीं ना कहीं इतर मतों के शासन से वेद धर्म को एक और बार क्षति पहुंचाई गई, वेद धर्म की परीक्षा हुई। तो ऐसे परिस्थिति में स्वामी वेदांत देशिक ने संस्कृत भाषा एवं वेद धर्म को पुनः स्थापना किया। स्वामी वेदांत देशिक को जब ध्यान करते हैं तो इसी प्रकार ध्यान करते हैं, श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदि। श्रीमान वेंकटनाथ जिनका नामकरण हुआ, कवि कविता के भास्कर और सिंह रहे हैं वो, कविता के सामूह में एक बहुत ही कठिन भास्कर सूर्य की तरह चमकते थे और एक गर्जन करते हुए सिंह की तरह थे वो। तो कवितार्किक केसरी, कविता अर्किक केसरी, वेदांताचार्य वर्यों में वेदांतों के विषयों को, वेदांतों के सार को हम तक पहुंचा के हमको पुनः कृतार्थ कृतकृत्य करते हुए ऐसे महान हमारे पूर्वज हैं वेदांत देशिक स्वामी। तो इन्हें मैं अपने हृदय में सन्निधि करता हूँ। वेदांत देशिक, उनकी
विवाह यात्रा, विवाह तक की उनकी जन्म यात्रा, जीवन यात्रा बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही विद्वत्मयी रही। विवाह के उपरांत उनके मामा ही उनके गुरु थे, श्रीमान अप्पुल्लाचार्य स्वामी, जिन्हें गरुड़ का अवतार कहा जाता है। तो ऐसे गरुड़ के अवतार स्वामी अप्पुल्लार से दीक्षा एवं शिक्षाएं प्राप्त करते हुए उनके विवाह के बाद उनके मामा ने उनको गरुड़ मंत्र दिया, जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे गरुड़ मंत्र देकर वो धीरे धीरे, उनका देह शांत हुआ, काफ़ी उम्र हुए, स्वामी वेदांत देशिक क्षेत्र यात्रा में जाते जाते तिरुवहिंद्रपुरम नामक क्षेत्र में काफ़ी समय रहे और वहाँ के श्री विष्णु के क्षेत्र के सामने अहिंद्रगिरी नामक गिरी में एक वृक्ष, जो आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा तिरुवहिंद्रपुरम में, तो उस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने गुरु एवं मामा के दिए हुए गरुड़ मंत्र का जाप करते करते सिद्ध किया। और सिद्धि के उपलक्षण में साक्षात भगवान गरुड़ उनके समक्ष प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए, और प्रकट हुए एक और यात्रा को आगे बढ़ाने के महान स्रोत को उन्हें दिया। श्री गरुड़ भगवान ने एक हयग्रीव हयवदन भगवान का दिव्य विग्रह उनके हाथ में देकर, योग हयग्रीव भगवान को उनके देशिकर स्वामी के हाथ में देकर हयग्रीव मंत्र का उपदेश किया। हयग्रीव भगवान, जिसे हम सरस्वती के भी गुरु करके रूप में हम कहते हैं, हयग्रीव अवतार बहुत लोगों ने सुना होगा। हयग्रीव असुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में ही एक रूप धारण करके, उससे युद्ध करके, फिर जीत के फिर हयग्रीव बने, मेधा मूर्ति बने। जिस तरह से भगवान शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में गुरुओं के गुरु के रूप में आराध्य हैं, उसी तरह श्री वैष्णव संप्रदाय में हयग्रीव भगवान समस्त गुरुओं के आधार और एवं गुरु के रूप में आराध्य हैं। भगवान हयग्रीव की प्रथम स्तुति उन्होंने शुरू की और उसी के साथ साथ उनकी स्तोत्र पाठ की रचना का यात्रा भी प्रारंभ हुआ। तो एक 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 कविता रचना भगवान हयग्रीव के अनुग्रह से उनको प्राप्त हुआ। जब भगवान हयग्रीव साक्षात प्रकट हुए तो उन्होंने हयग्रीव भगवान से यही प्रार्थना की, हे मेधा मूर्ति, आप जिस तरह से और जिस वेग से प्रकट हुए हैं, उस वेग से नित्य लीन ना हो जाएं, उसी वेग से आप मेरे जिह्वा में अपने सिंहासन को प्राप्त करें। जिह्वाग्र सिंहासनम अभ्युपेयाः करके कहते हुए स्वामी हयग्रीव का परिपूर्ण कृपा पात्र बनते हैं। उसी स्तुति, हयग्रीव स्तुति को मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वेदांत देशिक की कई रचनाओं में आज तीन कर रहा हूं। ये प्रोडक्शन स्वामी वेदांत देशिक के 750वें वर्ष को मनाते हुए 2 साल पहले मेरी माता श्रीमती कमला श्रीनिवासन के एक गाइडेंस पे, सुपरविजन पे, डायरेक्शन पे एंड स्क्रिप्टिंग एंड रिसर्च पर आधारित ये वेदांत देशिक स्तोत्र वैभवम के रूप से हम लोगों ने, हम सिनी ने प्रस्तुत किया। मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्न होता है कि जब ऐसे एक कार्य को अपने गुरु, जिन्हें मैं अपनी गायत्री माता के रूप में मानता हूँ, श्रीमती कमलिनी दत्त माता माँ, उन्होंने देखा और इस विषय में उन्होंने भी काफ़ी कुछ मुझे बताया, तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में ऐसे रचनाओं को प्रस्तुत करना हम जैसों के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य भाग बात है, क्योंकि संस्कृत सब नहीं जानते। जानने वाले अगर उसे देख भी पाते हैं, हम जैसे लोगों को देख भी पाते हैं, वो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्हीं की प्रेरणा और ऐसे माताओं की प्रेरणा से हम
आगे बढ़ते हैं और इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को एक शास्त्रीय दृष्टि और दृष्टांत से आगे ले चलते भी रहते हैं। नृत्य शैली अत्यंत विस्तार है, उसमें ये एक श्रेणी है बस। हाय ग्रीव स्तुति को प्रस्तुत करता हूं। I love her.
स्वामी देशिकन हयग्रीव स्तोत्रम जिसमें लगभग 10 से ज्यादा लगभग 21 स्तोत्रावली है, तो उसमें से चुनकर एक लघु प्रस्तुति रचाया। एक एक स्तोत्र स्वामी देशिकन का और उनकी संस्कृत अत्यंत कठिन है। आदिशंकर भगवान का संस्कृत जब हम पढ़ते हैं काफी सौलभ्य दिखता है, सुनने में लगता है कि एक माता का वचन है, मगर जब हम भगवान स्वामी देशिकन का संस्कृत स्तोत्रावलियों को जब हम पाठ करते हैं, यही मुझको दास को समझ आता है कि he tells you to hey look, do not come to me to just have a breezy time, okay? Don't approach me for a time pass or gala. Create an eligibility, then approach to me. Create such an eligibility that you will never lose, and then you will achieve me. That is what is the attitude of Swami Deshikan's work, because it is highly disciplined, it is highly sentimental, it is highly philosophical, at the same time it is also emotional. But natural, it is spiritual, religious. Being religious is not a mistake, not a punishment. We have to be religious. The first religion that starts in our life is from mother and father. Can anyone change this religion? Swami Deshikan tells us what religion is, how to be matured, and how to mature with your religious thought process. Aastha hamare jeevan ki bahut hi pratham beej honi chahiye. Shraddha usko badhane wali pani. Shraddha ke jal se hi hum us beej, aastha ke beej ko pusht kar sakte hain. Samskar hi hamari ret hai, mitti hai,
उस संस्कार रूपी मिट्टी में हम आस्था नामक बीज को बोकर और श्रद्धा नाम के जल से हम पक्व और परिपक्व होकर गुरुओं आचार्यों नाम के सूर्य और हवा के पढ़ते 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 हम परिपक्व होते होते इस जीवन को हम साकार बहुत ही एक सुंदर जीवन को हम अनुभव कर पाते हैं। देवता असुर संग्राम तो सब लोग सीरियल में बहुत देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे निजी जीवन की आस्था कहाँ छिपी हुई है ये खोजना हमारा ही धर्म है। कर्म नहीं, धर्म है सबसे पहले। तो इसी धर्म को स्वामी देशिक ने अपने आजीवन निभाते हुए व्यतीत किया है। उन्होंने अपने धर्म को कभी भी इधर उधर भटकने नहीं दिया, अपनी आस्था को अपनी माता बनाया, अपने धर्म को अपने पिता बनाया। और ऐसे आस्था मई और धर्म के भूषण स्वामी देशिक ने अपनी तरह तरह के क्षेत्रों को अटन करते हुए क्षेत्राटन करते हुए कांचीपुरम में कुछ साल रहे। कांची नगरी दक्षिण भारत में चेन्नई से मद्रास से लगभग 3-3.5 किलोमीटर घंटे का रास्ता है, जहां एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। इट मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ अवर कल्चरल स्पिरिचुअल रेनेसांस, कांचीपुरम। इन दैट कांचीपुरम when Swami Deshikan retired for some short while, जब स्वामी देशिकन वहाँ पर कुछ साल व्यतीत कर रहे थे तो वेद अध्ययन करते करते कई शिष्यों को तैयार भी कर रहे थे, वेद धर्मों में, वेदांत में, शास्त्र में, मीमांस में, तर्क में, क्योंकि स्वामी देशिकन तर्क मीमांस और न्याय में बहुत ही कठोर थे, गर्जन करते हुए एक बहुत ही कठिन सिंह रहे हैं। तो ऐसे स्वामी देशिक ने, वो दयालु भी हैं, उन तर्क मीमांस और न्याय उन तर्कों से सब बहुत थक के जैनों से बौद्धों से बहुत लोगों से उन्होंने तर्क किया और अपने वेद को आगे बढ़ाया। थोड़े दिन आराम करने के लिए कांची नगरी में आए, क्योंकि उनका वासस्थान जन्म स्थान कांची रहा है और कांची में कांचीपुरम में वापस आकर उनके माता पिता उनके कौन हैं, वो किसको अपना माता पिता मानते थे पता है आपको? आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कांचीपुरम के वरदराज स्वामी और उन्हीं की महालक्ष्मी तायार पेरुंदेवी तायार को ही अपने माता और पिता के रूप में वो सदैव निभाते थे। संबोधित करते ही उनको ऐसे थे, माता देवी त्वमसि भगवान वासुदेवः पिता मे, सैषा देवी सकल भुवनः प्रार्थना कामधेनुः, ऐसे कहते थे वो। आप ऐसी ईशा हैं, आप ही ईश्वरी हैं, ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होपह्वये श्रियम्, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपह्वये श्रियम्, मनसः कामम् आकूतिं वाचः सत्यम् अशीमहि करके जब हम सूक्त श्री सूक्त में कहते हैं, उसी श्री सूक्त के आधार पर इन्होंने श्री स्तुति का रचना किया। वो भी किसके लिए? एक किंचुक ब्रह्मचारी बालक जो अपने विवाह के लिए ब्राह्मण उच्च वर्ग के ब्राह्मणों से कुछ दक्षिणा याचना करने आए थे, वो बालक ब्रह्मचारी जो अपने विवाह के लिए कुछ याचना करने आया मदद के लिए, बड़े 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 जो पंडित लोग रहे हैं, आज ही नहीं उस जमाने में भी रहे हैं, जो बहुत कठोर और अहंकारी थे, वो कहते थे और वेदांत देशिक स्वामी को हमेशा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये गरीब ब्राह्मण अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, बड़ा पांडित्य है, बड़ा शक्तिमान है, सब कुछ है इसके पास, कुछ तो है नहीं, गरीब है और ऐवी ढोंगी ढोंग दिखाता है करके। नहीं हुआ क्या, उस मंदिर के ब्राह्मणों ने उस बालक ब्रह्मचारी को
वेदांत देशिक के प्रति मार्गदर्शन दिखाया। बोले, बालक वो देख, वहां पर बैठे एक आचार्य वेदांत देशिक है उनका नाम, उनके पास जाओ और अपनी इच्छा अनुसार उनसे याचना करो, वो देंगे तुमको खूब, बहुत देंगे वो, जाओ जाओ। बालक ने उसी को सत्य उक्ति समझ के स्वामी देशिकन के पास गया और उसी विनय भावना से याचना भी की। उसने कहा, स्वामी मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरे विवाह के लिए मेरे माता पिता बहुत ही कठिन अवस्था में हैं, लेकिन मुझे याचना के लिए भेजा है आप लोगों के पास, आपका यथा अनुसार यथा श्रद्धा यथा शक्ति मुझ पर कृपा कीजिए। तो स्वामी देशिकन कहते हैं मुस्कुराते हुए, बालक तुम याचना के लिए आए हो ना, चल मेरे साथ चल, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जहां तुमको सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ कहां था? वो अपनी माँ के पास गए, भगवती जगन माता पिरुम देवी महालक्ष्मी नाचियार के सन्निधि में गए। हम लोग आज भी जाते हैं लेकिन हमें सिर्फ वो विग्रह रूपी दिखती है, स्वामी देशिकन ने तो उनके ममता का दूध पिया है, ज्ञान का दिए दूध पिया है, भक्ति रस श्रद्धा वैराग्य सब का अनुभव का प्राप्ति उनसे पाया है। तो ऐसे अपनी माता पिरुंदेवी महालक्ष्मी नाचियार के पास जब गए तो माता से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे माँ जो समस्त जगत की जननी हो, सबकी कृपा दृष्टि तो तुम्हारे से ही है, जो आज भी अपने आप को बड़े बड़े श्रीमान और श्रेयस्वान और कीर्तिमान और यशस्वान समझते हैं, उनको अभी भी पता नहीं है कि आपकी दृष्टि इधर उधर चलते 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 उन पर पड़ गई है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते उनकी आपकी दृष्टि उनके उनके भाग्य पे पड़ गई है, इसीलिए आप वहां पर वास करती हैं। बहुत सुंदर है। इसका बहुत ही एक लघु प्रस्तुति करूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। प्रत्यक्ष
अपना आखिरी प्रस्तुति मैं तांडवेश्वर
भगवान शंकर का एक ध्यान से ही करूंगा। ये मेरी गुरु श्रीमती कमलिनी दत्त का एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, जिसे मैंने हर समय एक कोशिश से और भगवत कृपा से ही करने की एक चेष्टा की है। मेरी आखिरी प्रस्तुति है आज की, राक्षस राज रावणेश्वर द्वारा शिव तांडव स्तुति, जटाटवी गलत जलस से कुछ 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 एक अंश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटावटवी गलत जल प्रवाह पानी रस्ते गले मदंगयम् Dum 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 d
स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। मैं अब सबको अनंत धन्यवाद दूंगा और सर्वप्रथम मेरी गुरु श्रीमती कमलिनी दत्त माँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद एवं कृतज्ञ। इस जटाटवी रचना एवं अभी तक जितने भी आपने ट्रैक्स सुने हैं इन सब में योगदान रहा है। जटाटवी में जति एवं सारे परकशंस और नटवांगम किया है तंजावूर श्री केशवन आर केशवन अण्णा ने। गायन हमारे सतीश के वेंकटेश्वरन ने किया है। फ्लूट श्री रजत प्रसन्ना और अन्य इस जटाटवी का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है गुरु श्रीमती कमलिनी दत्त का है। वायलिन राघवेंद्र प्रसाद और बाकी सारे कॉम्पोजिशंस में जो भी आपने सुना है देशिक स्वामी का जो म्यूजिक विजुअलाइजेशन है श्रीमती कमला श्रीनिवासन और उसमें भी गायन श्री सतीश के वेंकटेश्वरन ने किया है। सारे परकशंस श्री तंजावूर आर केशवन अण्णा ने किया है। फ्लूट रजत प्रसन्ना और वायलिन हमारे राघवेंद्र प्रसाद। इन सब के ही योगदान से ये बहुत सुंदर एक ऑडियो ट्रैक जिसके आधार पे हम लोग अपने नृत्य एक विजुअलाइजेशन को हम ले कर पाते हैं। श्रेष्ठ कला संगम को मैं एक और बार धन्यवाद कहते हुए और आप सब जो अपने समय को निकाल के इस प्रस्तुति को देखने आए हैं और मेरी गुरु श्रीमती कमलिनी नागराजन दत्त अम्मा, आपको सभी विद्वानगण, मेरे फ्रेंड्स दिव्या जी और सारे डांसर्स म्यूजिशियंस एंड आल्सो माय वेल विशर्स एंड माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू, आई थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। विश यू ऑल अ लवली 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 सेफ क्वारंटाइन पीरियड। बी एट होम, बी सेफ, be in prayers, be in bliss, be with art, be with ecstasy. We have lots to keep ourselves engaged with positivity. Be positive, be artistic, keep growing. Let's be together in this journey. Thank you so much. Namaskar.